नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए विदेश से आए करोड़ों रुपए, जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। आतंकी बुरहान वानी के मौत के 46वें दिन बाद भी कश्मीर में हिंसा। 2 दिन के मिशन कश्मीर पर राजनाथ, कहा इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत मनाने वालों का स्वागत, नौकरियां देने का ऐलान मुमकिन। सुप्रीम कोर्ट से सीएम जयललिता को फटकार, मानहानि कानून के दुरुपयोग पर कोर्ट ने सख्त कहा, आलोचना झेलना सीखे, स्टेट मशीनरी के दुरुपयोग की कही बात। जम्मू के वैष्णो देवी में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं पर गिरी चट्टान, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की मौत, कई लोगों के हताहत होने की खबर, राहत और बचाव कार्य जारी। और जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की उत्साह पर फिरा पानी, दहीहांडी की ऊंचाई में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 20 फीट से ज्यादा पर रोक। और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। बीते 47 दिनों से कश्मीर घाटी में तनाव और अशांति के बीच शांति बहाली के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए हैं। इस 2 दिवसीय दौरे में वो राज्य प्रशासन के साथ ही सभी धड़ों के नेताओं से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। संभव है कि इस दौरान कुछ अहम ऐलान भी हो, जबकि राजनाथ की यात्रा से ठीक पहले घाटी में 11 साल बाद फिर से बीएसएफ की तैनाती की गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ताजा झड़पों की खबरें हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक युवक की मौत हो गई, वहीं श्रीनगर के सफा कदर इलाके में भी ताजा झड़पों की खबर है। इन झड़पों में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के खात्मे के 40 दिन बाद भी कश्मीर में हिंसा और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। झड़पों में 70 लोगों की मौत हो गई है। एनआईए को शक है कि हिंसा भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की जा रही है। इस बाबत शुरुआती जांच में जो सबूत मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। पता चला है कि 8 लोगों के अकाउंट में बीते कुछ समय में 4 से 5 करोड़ रुपए आए हैं। एनआईए की 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए कश्मीर घाटी पहुंची है। जांच एजेंसी ने हाल ही कश्मीर में हिंसा को भड़काने के लिए की जा रही फंडिंग को लेकर केस भी दर्ज किया था। शुरुआती जांच के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर के 8 लोगों के अकाउंट में कई बार 3-3 लाख रुपए करके 4 से 5 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता को नसीहत देते हुए कहा कि वो एक पब्लिक फिगर है, उन्हें अपनी आलोचना का सामना करना सीखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा संदेश उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु सरकार मानहानि कानून का अपने विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि तमिलनाडु से ज्यादा स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग कोई भी और राज्य नहीं कर रहा है। मानहानि का केस इसलिए नहीं किया जा सकता है कि कोई सीएम के स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्टिंग कर रहा है। बता दें कि पहले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जब तमिलनाडु सरकार ने आलोचना करने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दिया। वैष्णो देवी में गेट नंबर 3 के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार सुबह श्रद्धालु के ट्रैक पर एक चट्टान गिरने से कई लोग मलबे में दब गए हैं, जबकि सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 जवान घायल हुए हैं। फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि अभी कोई पुख्ता जानकारी या संख्या सामने नहीं आई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है, बचाव और राहत का कार्य शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं से कहा है कि पार्टी को अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अगले 30 वर्ष तक सरकार में रहना है और इसलिए देश हित में चुनाव जीतना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार देर शाम बीजेपी के राज्य कोर ग्रुपों की बैठक में समापन भाषण दे रहे थे। बैठक में मौजूद कुछ बीजेपी नेताओं ने बताया कि पीएम के पूरे भाषण का जोर गरीबों के कल्याण पर रहा। उन्होंने कहा कि सरकार का मूल उद्देश्य गरीबों का कल्याण करना है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी को उत्साह से मनाने का आह्वान करते हुए पार्टी नेताओं से कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए ही दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय को सामने रखते हुए जनसंघ की स्थापना की थी। देश भर में गुरुवार को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। मुंबई में इस मौके पर दहीहांडी उत्सव की धूम रहती है, लेकिन इस बार दहीहांडी से पहले गोविंदा की टोलियां गुस्से में है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दहियांडी की ऊंचाई में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर दहियांडी टांगने से रोक लगाई है। साथ ही 18 साल से कम उम्र वाले गोविंदाओं पर भी रोक लगाई है। मुंबई में दहियांडी को लेकर राजनीति भी हो रही है। गोविंदा राजनीतिक पार्टी और कुछ आयोजक इस बार अदालती आदेश की अनदेखी कर हर बार की तरह उत्सव मनाने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं और इसके लिए वे जेल जाने तक को तैयार हैं। पीएम मोदी द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के मानवाधिकार हनन के मामलों को उठाए जाने के बाद अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की आलोचना की है। पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिका ने मतभेदों पर शांतिपूर्ण तरीके और एक वैध राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए काम करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर हम चिंतित हैं। हमने अभी मानवाधिकारों की रिपोर्ट में इसका जिक्र कई साल तक किया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले स्कॉर्पियन समेत 6 पनडुब्बियों से जुड़े दस्तावेज और डाटा के लीक होने का खुलासा हुआ है। ये लीक विदेशी मीडिया के हवाले से हुआ बताया जा रहा है। इस वाकये के बाद नौसेना में खलबली मची हुई है। ये मामला पीएमओ तक पहुंचा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। खबरों के मुताबिक इस मामले से संबंधित दस्तावेज एक फ्रांसीसी कंपनी से लीक हुए हैं। पर्रिकर ने कहा कि ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरह का डाटा लीक हुआ है। फ्रांस ने भी इस मामले की जांच का आदेश दिए हैं। जो डाटा लीक हुआ है वो स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी का है, जिसे फ्रांस के शिप बिल्डर DCNS ने भारत के लिए डिजाइन किया था। शारदा घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम को समन जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी के समन जारी करने का उद्देश्य उनसे पूछताछ करना है, ताकि वो नलिनी का चिटफंड घोटाले के साथ संबंध में जानकारी एकत्रित कर सके। इससे पहले CBI ने इस घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट में उनका नाम लिया था। गौरतलब है कि नलिनी का नाम ना ही गवाह है और ना ही आरोपी के तौर पर लिया गया है। शारदा समूह के मुख्य प्रबंधक निदेशक और घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन ने पूछताछ में नलिनी का नाम लिया था। उसने नलिनी का नाम एक समय सेबी द्वारा की जा रही एक जांच से बचाने के संदर्भ में लिया था। बिहार में बाढ़ से तबाही का मंजर जारी है। मंगलवार शाम जहां औरंगाबाद के पुनपुन नदी में एक नाव पलट गई, वहीं बुधवार सुबह पटना के गांधी घाट पर जलस्तर में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है। यहां जलस्तर 50.17 मीटर दर्ज किया गया है। पिछले 12 घंटे में वहां 7 सेमी जलस्तर बढ़ गया है। ये स्थिति सोन नदी के पानी का प्रवाह गंगा में होने से उत्पन्न हुई है। वहीं भागलपुर में गंगा का जलस्तर 34.62 मीटर दर्ज किया गया है। यहां पिछले रिकॉर्ड जलस्तर से गंगा 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पुनपुन नदी के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। पुनपुन खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। उधर हाथीदह में जलस्तर स्थिर बताया जा रहा है, जबकि पटना भागलपुर को जोड़ने वाली NH 80 उसके किनारे बसे लोगों का आशियाना बन गया है। लोग NH पर ही आसरा लिए हुए हैं। पाकिस्तान के ऐतराज को नजरअंदाज कर भारत अब अफगानिस्तान को इस्लामिक आतंकवादियों से निपटने के लिए और अधिक हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान की चिंताओं के बावजूद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। पिछले 15 सालों से भारत ने अफगानिस्तान की 2 अरब से ज्यादा की अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की है, मगर पाकिस्तान के साथ किसी तरह के टकराव को टालने के लिए वे अफगानिस्तान को हथियारों की मदद करने से परहेज करता रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में कट्टरवादी तालिबान सरकार के गिरने के बाद पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने पहली बार अफगानिस्तान को 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने का ऐलान किया था। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।